आई थिंक ऑल ओवर इंडिया उर्दू ब्रेल का कोई मैनुअल नहीं था, उर्दू ब्रेल थी ही नहीं, तो जो हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट हैं जो उर्दू में लिखना पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने इस किताब को स्कूल ऑफ स्टैंडर्ड में इसको किया है। और इसमें न सिर्फ ये ब्रेल के बारे में है बल्कि उसमें ब्रेल की हिस्ट्री है, किस तरह से डेवलप हुआ। और इसमें हमने आम टीचर कोई भी, नॉट ओनली फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन बैकग्राउंड, कोई भी टीचर अगर चाहे, टीचर्स के लिए मैनुअल है ये कि टीचर इसमें से सीख के किसी को भी साइटेड को या ब्रेल जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनको ब्रेल में, उर्दू ब्रेल में लिखना पढ़ना सिखा सकते हैं। तो बेसिकली आज वर्ल्ड ब्रेल डे है और इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ये फ्रांस में कुपरे नामी एक विलेज था, वहाँ ये पैदा हुए थे और वहाँ पर ये 5-6 साल की उम्र में इनके फादर जो थे वो सैडल्स बनाने का काम करते थे, जो घोड़ों के लिए जीन कसते हैं, जीन कसते हैं। तो वो बड़ी कैची थी तो वो खेलते खेलते जो थे इन्होंने अपने आँख में इसको मार लिया। ग्रेजुअली जो है उनकी आँख खराब होने लगी, उसके बाद वो तो बिल्कुल ख़राब ही हो गई, दूसरी भी विद इन 2 ईयर जो था इनकी दूसरी आँख भी खराब हो गई, टोटली ब्लाइंड हो गए। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट थे, जब कुदरत को कोई काम लेना होता है तो वो इसी तरीके से लगता है कि हमारे साथ बुरा हो गया। लेकिन आज हम उनका 200 साल बाद भी नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर गए कि उन्होंने ब्लाइंड लोगों के हाथों को आँख बना दिया। उन्होंने फिर ऐसे ही नियर बाय स्कूल में जाने लगे, बस रोट मेमोरी और जस्ट वर्बल मेमोरी से इन्होंने अपने जो है वो स्कूल भी पास कर लिया। पहले इन्होंने कोशिश की कि वो जो वहाँ के लैटिन जो वर्ड थे उनको ही टच करके वो सीखते थे जोड़ जोड़ के किसी तरह से भी, लेकिन बाद में इंग्लिश जब ये अल्फ़ाबेट हुई वो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को भी ABCD टेक्चुअली देख के जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं वैसे करने लगे। लेकिन फिर बाद में ये इनके दोस्त थे कोई आर्मी में थे, उनके कॉन्टेक्ट में आए ये और वहाँ 14 डॉट्स का एक कोडिंग था जिससे के जो खुफिया पैगाम जो थे वो जाया करते थे। तो फौरन आपने क्विक एक आपका ट्रांसफर